तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हाईवे इंजीनियरिंग। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं डिफरेंट एग्ज़ाम्स में हाईवे इंजीनियरिंग का वेटेज क्या है। गेट जो ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग है उसमें ये 5 to 6 मार्क्स कैरी करता है हाईवे इंजीनियरिंग, जो कि एक अच्छा वेटेज माना जाता है। IES इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, ओके, इसमें 12 से 14 मार्क्स का हाईवे इंजीनियरिंग आता है, ऐसा देखा गया। अब देखते हैं हाईवे इंजीनियरिंग्स में डिफरेंट टॉपिक्स क्या है जो हम पढ़ेंगे आगे। पहला जो टॉपिक है वो है रोड और हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। डिफरेंट टॉपिक्स क्या है जो हम पढ़ेंगे आगे पहला जो टॉपिक है वो है रोड और हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। ठीक है, दूसरा चैप्टर है आपका जियोमेट्रिक डिज़ाइन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, जो कि हाईएस्ट वेटेज कैरी करता है। तीसरा है ट्रैफिक इंजीनियरिंग और लास्ट आपका पेवमेंट डिज़ाइन। इसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका जियोमेट्रिक डिज़ाइन, तो आज हम लोग वही पढ़ने वाले हैं। ये 4 to 5 मार्क्स कैरी करता है। गेट में जो 6 मार्क्स का आता है उसमें 4 to 5 मार्क्स तो जियोमेट्रिक डिज़ाइन से ही आता है, तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, आप लोग देख लो, ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। लास्ट मोमेंट में कोई चैप्टर पढ़ो इस हाईवे इंजीनियरिंग में, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन देख कर जाओ, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक एग्ज़ाम में। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहला जो है वो है साइड डिस्टेंस, सेकंड हम लोग पढ़ने वाले हैं हॉरिजॉन्टल कर्व के बारे में। ओके, साइड डिस्टेंस पहला, हॉरिजॉन्टल कर्व जो थर्ड है वो है वर्टिकल कर्व। साइड डिस्टेंस में हम लोग देखते हैं, साइड डिस्टेंस में हम लोग पढ़ने वाले हैं SSD और OSD। ठीक है, SSD एंड OSD। SSD मतलब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस एंड OSD मतलब ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कर्व में हम लोग पढ़ने वाले हैं सुपर एलिवेशन, जो कि एक स्लोप है वो पढ़ेंगे हम लोग आके, सुपर एलिवेशन। और इसमें हम लोग हॉरिजॉन्टल कर्व में पढ़ेंगे ट्रांजिशन कर्व। ओके, ट्रांजिशन कर्व एंड वर्टिकल कर्व, जो कि इम्पॉर्टेंट है जिससे सवाल पूछा जाता है, उसमें पढ़ेंगे हम लोग। दो कर्व होता है, दो टाइप के वर्टिकल कर्व होते हैं, एक है समिट कर्व SU, या समिट कर्व एंड वैली कर्व। ओके, ये तीनों हम लोग पढ़ने वाले आगे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले वो है SSD के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं SSD, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। सपोज ये एक रोड है। ठीक है, मैं एक रोड बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है क्या। ये एक रोड है, रोड का सेंट्रल लाइन है। सपोज कि ये एक गाड़ी है। ठीक है, ये एक व्हीकल है जो कि आगे मूव कर रही है वी स्पीड से। ठीक है, अब उसके सामने एक ऑब्स्ट्रक्शन है। ऑब्स्ट्रक्शन कुछ भी हो सकता है, कोई सामान हो सकता है, कोई दूसरी गाड़ी हो सकती है जो इस तरफ आ रही है। तो व्हीकल ए को व्हीकल बी को रोकना है। ठीक है, तो ए तो कितना साइड डिस्टेंस, मतलब कितना डिस्टेंस हम लोग को देना पड़ेगा कि ए वी को देख, बी को देख ले, ए बी जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसे देख ले। ओके,
तो इस पूरे डिस्टेंस को हम लोग स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बोलते हैं। एस एस डी हम लोग को डिज़ाइन करने ताकि एक्सीडेंट्स ना हो, हम लोग ऑब्स्ट्रक्शन देख पाए पहले ही। एस एस डी को दो भाग में डिवाइड किया जाता है, एक है आपका एल डी जो है लैग डिस्टेंस, ठीक है, और दूसरा है ब्रेकिंग डिस्टेंस। लैग डिस्टेंस एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस, अब पढ़ते लैग डिस्टेंस एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या है एस एस डी को समझने के लिए। लैग डिस्टेंस इज द डिस्टेंस कवर्ड व्हेन ड्राइवर वॉज थिंकिंग आफ्टर सीइंग द ऑब्स्ट्रक्शन। मतलब आईआरसी बोलता है कि ड्राइवर ऑब्स्ट्रक्शन को देखते रोक नहीं देता, गाड़ी रोकता नहीं है, उसे कुछ देर उसे समझने में लगता है, वो सोचता है, वो लैग डिस्टेंस जो कवर करता है वो टी आर टाइम पे करता है, टी आर टाइम। इस टी आर टाइम को ही लैग टाइम कहा जाता है। ओके, टी आर लैग टाइम एंड रिएक्शन टाइम। लैग डिस्टेंस जो इस टाइम पे कवर किया जाता है वो लैग टाइम और रिएक्शन टाइम, ठीक है। अब आपको दिखाता हूँ कि सपोज ए गाड़ी अपने ओरिजिनल पोजीशन से इस पोजीशन पे आ गई जब वो सोच रही थी। इस लैग टाइम को 2.5 सेकंड्स माना जाता है, आपको मैं बताऊंगा बाद में। 2.5 सेकंड, इस 2.5 सेकंड्स में ये इसने ये डिस्टेंस कवर किया। इस 2.5 सेकंड्स कवर करने के बाद वो ब्रेक अप्लाई करेगा, उसे 2.5 सेकंड्स सिचुएशन को समझने में लगा। उसे समझने के बाद वो ब्रेक अप्लाई किया, तो यहाँ तो ओरिजिनल पोजीशन से ब्रेक एप्लीकेशन के पोजीशन तक उस डिस्टेंस को बोलता है लैग डिस्टेंस। ओके, अब देखते हैं लैग डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे कैसे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या है। ओके, सपोज वो गाड़ी जब ब्रेक अप्लाई करती है, आईआरसी मानता है कि ब्रेक एप्लीकेशन के बाद व्हील्स के मूवमेंट तो रुक जाते हैं, व्हील्स का मूवमेंट स्टॉप हो जाता है, बट गाड़ी स्किड करके आगे बढ़ जाती है। मतलब ऐसा सेफ्टी वो मान के चलता है आईआरसी कि गाड़ी स्किड करती है, तो स्किड करके वो आगे बढ़ जाती है। अब कितना स्किड करती है वो हम लोग उसी को ब्रेकिंग डिस्टेंस बोलते हैं। ओके, तो व्हील स्टॉप्स बट मूवमेंट ऑफ व्हीकल डजंट। ओके, तो वो जो डिस्टेंस कवर करती है ब्रेक एप्लीकेशन के बाद, ब्रेक एप्लीकेशन से गाड़ी के रुकने तक जो डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे लैग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे कैसे, ताकि एस एस डी हम लोग को पता चल जाए स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस टोटल इज इक्वल्स टू लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। ओके, अब लैग डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, लैग डिस्टेंस। ओके, हम लोग बचपन से जानते हैं, स्कूल में हम लोग पढ़े थे कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड स्पीड इनटू टाइम, ये तो हम जानते ही है। अब लैग डिस्टेंस हम लोग जानते कि लैग डिस्टेंस का टी आर सेकेंड्स, लैग टाइम जो कि लैग टाइम है, इस लैग टाइम को टू स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के लिए 2.5 सेकेंड्स माना जाता है। ये माना जाता है कि ड्राइवर 2.5 सेकेंड्स के लिए ब्रेक एप्लीकेशन के पहले सिचुएशन को समझता है, सोचता है, उसके बाद ब्रेक अप्लाई करता है। ओके, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं डिज़ाइन करने से पहले। अब लैग डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, वी नो स्पीड इक्वल्स टू, सॉरी डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ ये वी स्पीड से जा रही थी, वो ब्रेक एप्लीकेशन तक वी स्पीड से गई, तो वी लैग डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वी इनटू टाइम। इधर टाइम कितना है, वी इन किलोमीटर पड़ा, गाड़ी स्पीड इनटू टाइम। इधर टाइम कितना है, 20 इन किलोमीटर पड़ा, गाड़ी स्पीड किलोमीटर में होता है, किलोमीटर पड़ा में होता है, 20 इन किलोमीटर पड़ा
एंड टी आर सेकेंड्स रिएक्शन टाइम, जो कि सेकेंड में है, ठीक है। ये डिस्टेंस जो है पूरी, इसे कहते हैं लैग डिस्टेंस। ये कवर करने में इसका फार्मूला हुआ वी इंटू टी आर, वी इन किलोमीटर पर आर। अब आप देखिए वी किलोमीटर पर आर में है कि नहीं, वी इन किलोमीटर पर आर, और टी है आपका सेकेंड्स में, सेकेंड्स में, ओके। तो अब हमें v को भी मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। इसे चेंज करने के लिए हम v को 5/18 से डिवाइड करेंगे, एक कन्वर्जन करने के लिए हम लोग डिवाइड किए, ये मीटर पर सेकंड में चेंज। 18, अगर आपको प्रॉब्लम हो कि 5/18 कैसे आया, आप कमेंट करें, मैं आपको बता दूंगा, या इसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा छोटा सा। इसे 2.5 सेकंड से डिवाइड किया, तो अब जो डिस्टेंस आएगी वो मीटर में आएगी, है कि नहीं। लैग डिस्टेंस आपको पता चल गया कैसे निकालेंगे, व्हीकल की स्पीड इनटू रिएक्शन टाइम, आपका हो गया लैग डिस्टेंस। अब बात करें तो ब्रेकिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। ब्रेकिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला बी डी ब्रेकिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू, ब्रेकिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला देखिए, आप डेरिवेशन मैं आपको नहीं बता रहा हूँ यहाँ, क्योंकि डेरिवेशन बताऊँगा तो वीडियो लंबी होगी, और डेरिवेशन का कोई काम भी नहीं है, आप गेट में कोई काम नहीं। तो इसका फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर एफ प्लस माइनस एन, मैं आपको बताता हूँ कि ये सब क्या क्या है, ओके। वी तो आपको पता ही है, वी स्पीड ऑफ व्हीकल, जी जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये दोनों आप जानते हो। अब एफ क्या है, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन, ओके, यह है लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन, एफ आर आई फ्रिक्शन, लॉन्गिट्यूडनल, ये मैं बताऊंगा ये क्या है आपको, एंड एन इज द ग्रेडियंट, ये दोनों मैं आपको बताऊंगा, आपको ग्रेडियंट, एन इज ग्रेडियंट, तो अब आपको समझाता हूँ। आपको v पता है, स्पीड ऑफ व्हीकल g पता है, f और n मैं आपको बताता हूँ। f is देखिए, ये स्किड हुआ था आपका गाड़ी यहाँ से, फिर जब ब्रेक एप्लीकेशन किया उसके बाद स्किड हुआ, ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं। तो ये स्पीड, स्किड होने के व्हीकल के हेड से जब वो स्टॉप होता है, उस व्हीकल के हेड तक जब हुआ, उस डिस्टेंस को हम लोग ब्रेकिंग डिस्टेंस बोल रहे। तो ब्रेकिंग, तो इस तरफ जब वो मूव कर रहा था, स्किड कर रहा था, तो उसे एक फ्रिक्शन लग रहा था रोड की तरफ से, उसे रोकने के लिए, उस फ्रिक्शन को ही हम लोग लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कहते हैं, जो कि लॉन्गिट्यूडनली लग रहा, उसको रोकना चाह रहा। इस फ्रिक्शन की वैल्यू IRC बोलता है कि इस फ्रिक्शन की वैल्यू आप 0.35 ले, ओके, मैं लिख देता हूँ 0.35। अगर हम इससे ज़्यादा वैल्यू लेते हैं तो ये ड्राइवर और पैसेंजर जो गाड़ी में बैठे हैं उनके लिए अनकंफर्टेबल होता है, इसलिए ये बेस्ट वैल्यू माना जाता है। इसलिए डिज़ाइन के वक्त हम हमेशा ये वैल्यू लेते हैं। ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, ये लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन, लैटरल फ्रिक्शन भी होता है, वो हम लोग सुपर एलिवेशन में पढ़ेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब ग्रेडियंट देख लेते हैं, ग्रेडियंट क्या है। लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन तो आपको समझ गया आ गया, जो रोड के तरफ से लग रहा है उसके ऑपोजिट साइड जब वो स्किड कर रहा। ग्रेडियंट, सपोज ये गाड़ी ऊपर किसी स्लोप में जा रही है, अपवर्ड ग्रेडियंट, ओके, अपवर्ड ग्रेडियंट में जा रही है। तो जब ये अपवर्ड ग्रेडियंट पे गाड़ी जा रही है, तब हम लोग एन की वैल्यू को प्लस पकड़ेंगे, ग्रेडियंट की वैल्यू को प्लस में पकड़ेंगे। और जब ये डाउनवर्ड ग्रेडियंट है, तब गाड़ी ऊपर से नीचे आ रही है, तब उसे
नेगेटिव पढ़ेंगे, या आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि अपवर्ड ग्रेडियंट है में जा रही है कि डाउनवर्ड ग्रेडियंट में गाड़ी जा रही है, तो आप इजिली उसको सॉल्व कर पाओगे। अब वी को देख लो आप, यहाँ वी इज इन किलोमीटर पर आवर KMPH, ओके गाड़ी की, तो इसे भी हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा, 5/18 इनटू वी। अब ये हो गई आपके मीटर पर, इसका पूरा का होल स्क्वायर, ओके होल स्क्वायर 2GF प्लस माइनस n। अब आप देख लो SSD की फॉर्मूला पूरा, मैंने आपको समझा दिया ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है, लैग डिस्टेंस क्या होता है। अब SSD स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, इक्वल्स टू लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस, बी ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है। लैग डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, वही डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, एंड टाइम इज रिएक्शन टाइम, तो 5/18 फॉर कन्वर्टिंग इनटू मीटर पर सेकंड द स्पीड, 5/18 इनटू वी इनटू टी आर, ओके तो ये मीटर में आई, प्लस टी आर की वैल्यू हम लोग 2.5 सेकंड मानते हैं, और इसका ब्रेकिंग डिस्टेंस 5/18 बाय वी का होल स्क्वायर बाय 2GF प्लस माइनस n, f इज लॉन्ग एंड n इज ग्रेडियंट, अपवर्ड तो पॉजिटिव डाउनवर्ड तो नेगेटिव। तो ये पूरा आपका SSD का फॉर्मूला है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है, गेट 2018 के पेपर में भी इससे एक सवाल आया 2 मार्क्स का, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप पढ़िए। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा और मैं आपको किसी तरह भी हेल्प कर सकता हूँ आपकी पढ़ाई में, तो प्लीज़ 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 वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। Thank you.